हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ उड़द दाल की कचौड़ी बनाने की रेसिपी। और इसके साथ आज हम बनाने वाले हैं आलू की सब्ज़ी। ये जो आलू की सब्ज़ी है ये हम बिल्कुल हलवाई वाले तरीके से बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो दाल है वो भिगो कर रखनी है। तो ये मैंने आधा कप दाल ली है और इसको हम सबसे पहले धो लेंगे। तो पानी से हम इसे धो लेते हैं। तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और हाथों से रब कर इसे धो लेंगे 2 से 3 बार। तो इस तरीके से मैं इसे 2 से 3 बार धो लेती हूँ। 2 से 3 बार दाल को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसे ढक करके लगभग 6 से 7 घंटे के लिए हम इसे ढक कर इसी तरीके से सोक होने के लिए रख देंगे। और अब मैंने सब्जी बनाने के लिए एक साइड में कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाला है और इसमें ऐड करेंगे हम जीरा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। तो मैंने यहाँ पर ग्रेट कर अदरक लिया है, ये 1 चम्मच अदरक है। आप अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और मैंने डाली है इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर। तो मैं यहाँ पर देसी टमाटर का यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़े से खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो मैं यहाँ पर ये 2 बारीक कटे हुए देसी टमाटर इसमें डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए नमक। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये जो है मिर्च इनमें बहुत कम होती है लेकिन इनसे जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दी हमने कश्मीरी वाली। और ढक करके टमाटर को 2 से 3 मिनट पकाएंगे जिससे टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो 3 मिनट बाद देख लेते हैं। ये देखिए टमाटर जो है वो अच्छे से पक चुके हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो हम इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। और टमाटरों को मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो मैं यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल कर लिए थे वो इसमें डाल दे रहे हैं इस तरीके से मैश करके। और आलू डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे पानी। और पानी में इसमें डालने वाली हूँ 1.5 कप। तो ये पहले 1 कप पानी डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें 1/2 कप पानी और डाल देते हैं। तो ये लगभग 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और अभी हम अपनी आलू की सब्ज़ी को ढक कर 7 से 8 मिनट पकाएंगे। ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं। लगभग 8 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी सब्ज़ी है वो अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए। तो अगर आप इसमें गरम मसाला डालना चाहते हैं तो इस टाइम पे 1/2 चम्मच इसमें आप गरम मसाला डाल दें। मैं अभी इसमें गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ। और ये मैंने इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ धनिया। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब हम कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और 1/2 चम्मच इसमें नमक डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। इससे हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी खस्ता बनेंगी। ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम सॉफ्ट डोला कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एकदम सॉफ्ट डुला कर तैयार कर लिया है और अभी हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे।
तो इसे हम साइड में रख देते हैं। और 8 घंटे हो चुके हैं, हमने दाल को भिगो कर रख दिया था, 8 घंटे हो चुके हैं और दाल हमारी अच्छे से सोख हो चुकी है। तो अभी हम इसका पानी निकाल देंगे, इसे एक बार और अच्छे से धो लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसका पानी निकाल दिया है और अभी हमें दाल का एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लिया है और जार में हम ये दाल को डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च, इस तरीके से कट करके एक हरी मिर्च डालेंगे और एक अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे और इसका लिड लगाकर अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। ये मैंने यहाँ पर दाल को अच्छे से पीस लिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दाल एकदम अच्छे से पीस चुकी है। तो अभी हम दाल को भूनेंगे, तो चलते हैं इसे भूनने के लिए। दाल को भूनने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच जितनी हींग और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें क्रश की हुई सौंफ, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। डालने के बाद मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसमें जो हमने पीस का मतलब फाइन पेस्ट बनाकर जो उड़द की दाल ली थी वो इसमें डालेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, जब तक उसका जो कलर है हल्का सा गोल्डन ब्राउन मतलब ब्राउन ना हो जाए, जब तक हम उसे भूनेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए लगातार हमें इसे भूनना है। इसे भूनने में थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन हम इसे जब तक भूनेंगे जब तक इसका जो कच्चापन है दाल का वो दूर ना हो जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। ये देखिए थोड़ी देर मैंने दाल को भून लिया है और उसका कलर चेंज हो गया है। तो बस हमें इसे इतना ही भूनना है और इसे साइड में रख देते हैं। और ये जो हमने डो लगाकर तैयार किया था उसे भी 10 नट हो चुके हैं। अब हम इसमें से छोटी छोटी बॉल बनाकर तैयार करेंगे, यानी कि मीडियम साइज़ की हम बॉल बनाएंगे। इस तरीके से हमें ये बॉल बनानी है इसकी, इसी तरीके से बाकी की सारी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो हमने दाल को भूना था उसकी भी इस तरीके से बॉल बना लेंगे। तो पूरी दाल की भी हम इसी तरीके से बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम कचौरी बनाना स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए पहले एक बॉल को उठाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसको हल्का सा बेलेंगे। तो हल्का सा बेलने के बाद अब हम इसमें दाल को फिल करेंगे। तो जो हमने दाल की बॉल बनाई थी उसको बीच में इस तरीके से रखना है और साइड से इस तरीके से बंद करना है और इसको इस तरीके से दबाएंगे अच्छे से और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे। और आटा निकालने के बाद फिर से इसको थोड़ा सा दबाएंगे और इस तरीके से हाथों से अच्छी तरह से दबा कर सभी तरफ दाल को अच्छे से फैला देंगे। इससे हमारी जो कचौड़ी हैं उनमें दाल जो है सभी तरफ अच्छे से मतलब बीच में ऐसा नहीं होगा कि आटा रह जाए, सभी तरफ अच्छे से दाल फेल हो जाएगी। तो इसको हम बेल लेंगे, हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको हम इतना बेलेंगे। ये देखिए आपको दाल जब दिखने लगे तो बस इसको इतना ही बेलना है। तो ये हमने एक पूरी बनाकर तैयार कर ली है, इसी तरीके से बाकी की पूरियों को भी बेल लेंगे हम। और यहाँ पर मैंने कचौड़ियों को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है, ऑयल को हमने थोड़ा सा डो डालकर चेक कर लिया है, ये अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपनी कचौड़ियों को तलेंगे, तो ऑयल एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए कचौड़ी बनाने के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और कचौड़ी को हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस करते हुए
और हमें इसे मतलब फुलाना है हल्के हाथ से प्रेस करते हुए। ये देखिए कितनी अच्छी कचौड़ी फूली है। और अब हम इसे पलट देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसका एक साइड से कलर हल्का सा गोल्डन हो गया है, इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कचौड़ी है वो फ्राई हो चुकी है, हम इसे बाहर निकालेंगे और इसी तरीके से दूसरी कचौड़ी को भी तल लेंगे। कचौड़ी को डालना है, हल्का सा इसे प्रेस करना है और दोनों तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे पकाना है, यानी कि फ्राई करना है। तो इसी तरीके से हम बाकी की कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये कचौड़ी फ्राई हो चुकी है, इसे भी निकाल लेते हैं। और अब चलते हैं अपनी सब्जी को सर्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है और हम इसमें सब्जी को सर्व करेंगे। तो ये हमारी आलू की सब्जी है, लग रही है ना बिल्कुल जैसे हलवाई वाले बनाते हैं वैसी ही आलू की सब्जी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप भी इसे ट्राई कर ज़रूर देखें। तो यहाँ पर सब्जी को बोल में डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इस तरीके से, और इन्हें आप इस पूड़ियों को इस आलू की सब्जी के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। जब भी कोई त्यौहार हो या कोई मेहमान आने वाला हो घर में, ये कचौड़ी दाल की और आलू की सब्जी बनाकर तैयार करें। तो अगर आपको ये दाल की कचौड़ी और आलू की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।